नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 12 सितंबर 2022, आज का दिन है सोमवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे हमारी पहली खबर से कि दो के बाद चीनी ऐप कंपनियों के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई। तो इसमें हम एग्जाम परस्पेक्टिव से देखेंगे कि हवाला क्या होता है, शेल कंपनियां क्या होती हैं, और ईडी के बारे में जानेंगे कि किन कानूनों के तहत ईडी कार्रवाई करती हैं, और ये जो विषय हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज और चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है। फिर हम देखेंगे एसईओ में पुतिन, चिनफिंग और शरीफ संग मंच साझा करेंगे मोदी। तो ये हमारे किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से और ग्लोबल ग्रुपिंग से, और उन एग्रीमेंट में जिनमें भारत शामिल है वह भारत को प्रभावित करने वाले हितों से संबंधित जो विषय हैं उससे संबंधित हम इसको जोड़कर देखेंगे। वह एसईओ को देखेंगे कि एसईओ में कौन से सदस्य शामिल है और एसईओ का उद्देश्य क्या है और किस तरह से यह काम करता है। फिर देखेंगे हम यूनियन एंड स्टेट्स यानी संघवाद से संबंधित जो क्षेत्रीय परिषद हैं वो क्या है और किस कानून के तहत इनको गठन किया गया, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, इनके वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, और इनका हम मैप भी देखेंगे एक बार। फिर अगली खबर रहेगी हमारी GS3 से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इंडिया अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो हम देखेंगे कि DRDO ने जो तैयार की है विशेष प्रकार की वाइप्स वो किस क्या है और किस तरह से वह सैन्य कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, एटॉमिक जो प्लांट में जो कर्मचारी रहते उनको किस तरह से परमाणु हमलों के दौरान सुरक्षा प्रदान करेगी। फिर मुद्दा, आप इसको जरूर पढ़िएगा। अब ये कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी वजह क्या होती है, किस कारण से जो एक्सीडेंटों की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, इसके लिए क्या उपाय किए गए सरकार के द्वारा और क्या किए जा सकते हैं, और एक निष्कर्ष है, आप इसे जरूर पढ़ने का प्रयास करिएगा। फिर हम बिजनेस में इस पर देखेंगे GS3 से संबंधित मेजर क्रॉप्स, सिंचाई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज से संबंधित खबर रहेगी, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि थोक मूल्य सूचकांक की गणना के जो आधार वर्ष को बदलना क्यों जरूरी है और क्यों इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि आधार वर्ष को बदला जाए। फिर हम देखेंगे कि GS3 से संबंधित रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास और सशक्त करना किसको, पैक्स को यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को, और इसके को लेकर क्या कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। फिर हम देखेंगे GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित ग्लोबल ग्रुपिंग व अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि GC यानी खाड़ी सहयोग परिषद में कौन से सदस्य हैं, भारत के साथ किस तरह से व्यापार हो रहा है, और ये इन देशों की लोकेशन भी देखेंगे हम मैप के थ्रू, और इनके क्या उद्देश्य हैं GCC के। फिर हम पाकिस्तान के मैप का एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान में बाढ़ की वजह क्या है जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। फिर हम पाकिस्तान के फिजिकल मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम जो डार्डेनल्स और बास्पोरस जो जल संधि है वो देखेंगे कि उसकी लोकेशन क्या है। उसके बाद हम केन बेतवा लिंक परियोजना को देखेंगे किन दो राज्यों में है और इससे किस किस को लाभ होगा। फिर हम जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया को देखेंगे कितनी है जोनल काउंसिल। फिर हम देखेंगे कि MOU यानी समझौता ज्ञापन क्या होता है। फिर हम SCO को देखने का प्रयास करेंगे किसके कौन से सदस्य है, कौन से डायलॉग पार्टनर्स है और कौन से ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, इसके एम्स क्या है। फिर हम SCO के मैप को देखेंगे। फिर हम खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को देखेंगे, इसके उद्देश्य को देखेंगे, इसकी भाषा कौन सी है, किस प्रकार का गुट है, इसके सदस्य कौन है। फिर हम गूगल मैप में GCC को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम प्रवर्तन निदेशालय को देखेंगे कि किन कानूनों के तहत ये कार्यवाही करती हैं और क्या है ईडी। तो इस तरह से हमारी आज की खबर रहेगी। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो शुरुआत करने से पहले हम कुछ टर्मोलॉजी को समझ लेते हैं कि शेल कंपनी क्या होती है, हवाला क्या होता है। तो शेल कंपनी एक कंपनी जो स्वयं कुछ भी नहीं करती या
उसका स्वामित्व नहीं करती, लेकिन किसी व्यक्ति या किसी अन्य कंपनी की गतिविधियों को छिपाने के लिए उपयोग की जाती हैं। कभी कभी अवैध उसके पास कई मुखौटा कंपनियां हैं जो उसे धन प्रसारित करने और धन शोधन करने की अनुमति देती हैं। अब हम देख लेते हैं कि हवाला का मतलब क्या होता है। तो हवाला का अर्थ है के एवज में या के बदले में। व्यापारी एक पासवर्ड का इस्तेमाल करते थे जो कि कोई वस्तु, शब्द या कोई इशारा होता था, और ठीक उसी तरह की पूरक वस्तु, शब्द या पासवर्ड उसे प्राप्त करने वाले को बताना होता था। इस तरह वो सुनिश्चित किया करते थे कि पैसा या सामानों की लेन देन सही हाथों तक पहुंच जाए। तो अब शुरुआत करते हैं, इसको देखते हैं खबर क्या है कि धोखेबाज चीनी ऐप कंपनियों के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई। तो ईडी के बाद SFIO भी सक्रिय। विभिन्न राज्यों में पिछले एक हफ्ते से चल रहा व्यापक अभियान, तो वित्त मंत्रालय व RBI के बीच विमर्श, राज्यों की जांच एजेंसियों को किया सतर्क। बिहार के एक गांव में छिपी चीनी शेल कंपनियों के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। पिछले गुरुवार को वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में हुई थी महत्वपूर्ण बैठक। तो चीन की मोबाइल ऐप कंपनियों द्वारा आम भारतीयों के साथ पहले वित्तीय धोखाधड़ी करने और बाद में उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने के विरुद्ध अब राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हो गया है। वित्त मंत्रालय और RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के बीच लगातार विमर्श हो रहा है कि किस तरह स्थानीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर धोखेबाज चीनी कंपनियों को शिकंजे में लिया जाए, और प्रवर्तन निदेशालय भी अब कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी भूमिका अदा कर रहा है। तो अभी हम जो ईडी है उसको देख लेते हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। तो जो प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनिक संगठन है जो धन शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित है। निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है, यानी एक तरह से लागू करवाना। तो पहला क्या है, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यह एक आपराधिक कानून है जिसे धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए तथा उससे जुड़े या उससे अनुशंसित मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। ईडी को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने हेतु अन्वेषण करने, संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने, विशेष अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करवाने हेतु प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यह एक नागरिक कानून है जो विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित यानी इंटीग्रेटेड और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों के अन्वेषण करने, कानून का उल्लंघन करने वालों को न्याय निर्णित करने और उन पर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। यह कानून आपराधिक अपराधियों को भारतीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर भागकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था। यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत निदेशालय को ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधी जो गिरफ्तारी से बचते हुए भारत से बाहर भाग गए उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए तथा उनकी संपत्तियों को केंद्र सरकार से संलग्न करने का प्रावधान करने हेतु अधिदेशित किया गया था। और चौथा है विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 फेरा जो निरस्त कर दिया गया है। और आखिरी आता है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत इसे ईडी को कहीं ना कहीं जो FEMA जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघनों के संबंध में निवारण निरोध के मामले को प्रायोजित करने का अधिकार है। तो इस तरह से हमको इस खबर को हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना था। अब बढ़ते हम आगे। SCO में पुतिन, जिनपिंग व शरीफ संग मंच साझा करेंगे मोदी। तो इस हफ्ते गुरुवार शुक्रवार यानी 15-16 सितंबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शीर्ष नेताओं की बैठक में पीएम मोदी
हिस्सा लेंगे वो एशिया की 22वीं शीर्ष स्तरीय बैठक, और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। और इसमें कहीं ना कहीं जो बायलेटरल जो समझौते हैं मुलाकातें होंगी, और इसमें कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक देश एशियो के महानिदेशक एशियो के तहत गठित क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे के अधिशासी निदेशक और कुछ दूसरे मेहमानों को आमंत्रित किया जाएगा। और एशियो की जो बैठक में कहीं ना कहीं एशियो की गतिविधियों और भविष्य में सहयोग पर चर्चा की जाएगी। बैठक में मौजूदा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं इस बीच चर्चा के बीच भारत रूस के मौजूदा रिश्तों, पेट्रोलियम आयात निर्यात और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर खास तौर से कहीं ना कहीं भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय संबंधों में बातचीत होगी। तो हम अब एग्जाम प्रस्पेक्टिव से एससीओ संगठन को देख लेते हैं एक बार। तो एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो संघाई सहयोग संगठन एससीओ एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के संदर्भ में यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग 60% और विश्व आबादी का 40% और विश्व सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 30% से अधिक इसका योगदान है। एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद द्वारा शासित होता है, जो इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जो साल में एक बार बैठक होती है, जो अभी उज्बेकिस्तान में होने वाली है। अब इसमें ये मैप दिखाया हुआ है, तो हम इसमें मेंबर्स, ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर्स को दिखाए हुआ है, इसका एब्रिविएशन दिखाया हुआ है यानी एससीओ। जो इसके शुरुआत में कितने थे, तो संघाई 5 थे, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 2001 में हुआ था। ये किस तरह का टाइप्स है, तो इसमें म्यूचुअल सिक्योरिटी, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिक अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बीजिंग यानी चाइना में, और अभी ताशकंद उज्बेकिस्तान, यहाँ पर सिक्रेटाइज हो गया। और जो RATS है एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसके मेंबरशिप को देख लेते, तो इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी 8 देश। इसके ऑब्जर्वर, इसके डायलॉग पार्टनर्स और गेस्ट अटेंडेंस कौन से, तो आसियान है, CIS है, तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान जो सेंट्रल एशिया का कंट्री है लेकिन इसमें शामिल नहीं है, और एक यूनाइटेड नेशन को भी शामिल किया जाता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो चाइनीज और रशियन। अब हेड ऑफ एससीओ सेक्रेटरीज और डायरेक्टर ऑफ एससीओ RATS एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये RATS यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कहीं ना कहीं आतंकवाद से संबंधित गतियों पर एक तरह से निगरानी, बातचीत और समन्वय करने के प्रयास करता है। एक काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, अब ये मेंबरशिप को दिखाया हुआ है कि जब एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा था एससीओ का, तो उस समय कितने देश थे, तो कहीं ना कहीं उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया, किर्गिज और कजाकिस्तान और चाइना, लगभग 6 देश, और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को शामिल करते हुए 8 देश हो गए। अभी ईरान को भी बातचीत चल रही है एससीओ में शामिल करने की। और ये डायलॉग पार्टनर्स हो गए, ये ऑब्जर्व स्टेट थे, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया और पाकिस्तान यहाँ से हटकर कहीं ना कहीं एससीओ के सदस्यों में शामिल हो गए, यानी एससीओ के मेंबर बन गए। मेंबर स्टेट दिखाया हुआ है यहाँ पर कितने, 8 है। तो इंडिया पाकिस्तान 2015 में एसोसिएशन की शुरुआत हुई और 2017 में शामिल बन गए। और ईरान को भी कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी गई है एसोसिएशन की, और इसको भी कहीं ना कहीं मेंबर में शामिल करने की बातचीत चल रही है। तो इंडिया, इधर चाइना, इधर रशिया, कजाकिस्तान, इधर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान हो गया, इधर तजाकिस्तान, और इधर से पाकिस्तान और ईरान की बातचीत चल रही है। इधर डायलॉग पार्टनर्स को दिखाया हुआ है, अपकमिंग डायलॉग पार्टनर्स, फॉर्मर डायलॉग पार्टनर्स है। ये लिस्ट ऑफ समिट्स, समिट्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, यानी अभी जो 15-16 सितंबर को 2022 को कहां हो रही, उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद, और 2023 में इंडिया न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ये करेंट लीडर्स ऑफ मेंबर स्टेट्स, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इधर रशियन फेडरेशन के व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और चाइना के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी
शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो इस तरह को खबर को हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से देखना है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम एससीओ का मैप देख लेते हैं। तो इधर से रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो यहाँ से तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं, अफगानिस्तान शामिल नहीं और ईरान को शामिल करने की बातचीत चल रही है। इधर से मंगोलिया शामिल नहीं है, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया शामिल नहीं, जापान शामिल नहीं है। तो इधर से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश भी इसमें शामिल नहीं है। इधर म्यांमार शामिल नहीं है, आसियान के देश शामिल नहीं है। तो इस तरह से हमको प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से भी इसको देखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। जटिल मामलों के त्वरित निराकरण में सफल हुई क्षेत्रीय परिषद की बैठक। तो क्षेत्रीय परिषद की बैठक राज्यों की समस्याओं के त्वरित निराकरण में कारगर साबित हो रही है। इससे संघीय ढांचे को मजबूती मिल रही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो परिषद की जन को कहीं ना कहीं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में हुई थी, अभी दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की भी बैठक हुई थी। तो जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई थी, तो भोपाल में हुई थी। तो इसमें कहीं ना कहीं 18 मुद्दों पर चर्चा हुई और 15 का समाधान निकाला गया। बैठक समस्याओं के समाधान और राज्यों के बीच समन्वय बनाने में सफल रही। क्षेत्रीय परिषद सचिवालय ने निर्णयों का पालन भी कराया और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संवाद था, संवाद से समाधान का मंत्र भी कारगर साबित हो रहा है। और कहीं के जो परिषदों की बैठकों में आतंकवाद, उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए पुलिस सुधार, पुलिस, महिला और कहीं के बच्चों को लेकर हेल्पलाइन, राज्य होमगार्ड को अनुदान देने और कहीं के ऐसे मुद्दों पर बातचीत और निर्णायक अमल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और क्षेत्रीय राज्य की बात करें तो इनमें नक्सलवाद दोनों राज्यों के लिए एक बड़ी समस्या है और इसके लिए संसाधन और बजट की जरूरत होती है। और कहीं ना कहीं इसी मुद्दों पर लेकर जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की उसमें बैठक हुई और कहीं ना कहीं 18 में से कम 15 मुद्दों पर समाधान किया जा चुका है। तो इस तरह से जो क्षेत्रीय परिषद एक तरह से जो इनके काम के लिए इनको स्थापित किया गया तो उसके लिए सफल हो रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना का विवाद भी हुआ खत्म। तो केन बेतवा लिंक परियोजना से पानी बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच विवाद था। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में कहीं ना कहीं जो पानी के विवाद को एक तरह से खत्म कर लिया गया और कहीं ना कहीं और इस प्रोजेक्ट को भी एक तरह से मंजूरी मिल गई है। अब देख लेते हैं हम क्षेत्रीय परिषद को। तो ये जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो जोनल काउंसिल एक एडवाइजरी काउंसिल यानी एक तरह से परामर्शी संस्था है। जो किससे बनती है, तो राज्यों से मिलकर बनी होती है। कहीं ना कहीं एक तरह से संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इनकी स्थापना की गई। और किसके तहत, कानून के तहत, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इनको स्थापित किया गया है, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इसमें जो यूनियन मिनिस्टर इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल। और कहीं ना कहीं जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री, आज वाइस चेयरमैन होते हैं किसके, काउंसिल के, बाय रोटेशन, हेडिंग ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम, यानी एक साल के लिए। अब जो जोनल काउंसिल वो कितनी है, तो 5 है। कौन कौन सी, एक तो नॉर्थन, सेंट्रल, ईस्टर्न, साउथर्न और वेस्टर्न। और जो नॉर्थन ईस्टर्न है उसको कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय परिषदों में कवर नहीं किया जाता है। उनकी विशेष समस्याओं का समाधान पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा बनाए गए शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद द्वारा किया जाता है। इस परिषद में मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा शामिल थे। और बाद में 2002 को अधिसूचित पूर्वोत्तर परिषद संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से सिक्किम राज्य को भी इसमें जोड़ा गया, तो यूनियन टेरिटरीज। और अब हम बात कर लेते हैं नॉर्थर्न जोनल काउंसिल की, साउथर्न जोनल काउंसिल की। तो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इधर नॉर्थर्न जोनल काउंसिल का न्यू दिल्ली में, साउथर्न जोनल काउंसिल का चेन्नई में, और सेंट्रल जोनल काउंसिल का कहाँ है, तो इलाहाबाद में, और ईस्टर्न जोनल काउंसिल का कलकत्ता में, और वेस्टर्न जोनल काउंसिल का मुंबई में, और नॉर्थर्न ईस्टर्न काउंसिल जिसे जो जोनल काउंसिल में शामिल नहीं किया जाता, तो इसका कहाँ है, शिलोंग में। अभी हम जिसकी सेंट्रल जोनल काउंसिल की बात करें तो उसमें कौन से राज्य, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 4 राज्य शामिल है। और अभी साउथर्न जोनल काउंसिल की बैठक हुई थी तो उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगा। और कहीं ना कहीं इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो मेंबर नहीं है जोनल काउंसिल, लेकिन इन्हें स्पेशली इन्वाइट किया गया था, किसमें,
साउथर्न जोनल काउंसिल में। ये साउथर्न जोनल काउंसिल, ये सेंट्रल जोनल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इलाहाबाद में यानी यूपी में, और साउथर्न का चेन्नई में। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो हमारे को इस खबर को देखना है। अब बढ़ते हम आगे, अब GS3 साइंस एंड टेक इंडिया अचीवमेंट एंड इंडिजीनियस ऑफ टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो DRDO ने TR की विशेष प्रकार की वाइप्स मैसूर की कंपनी को सौंपी निर्माण तकनीक और शुरू हुआ उत्पादन। तो हल्के परमाणु हमलों में रेडियो एक्टिव तत्वों से बचाएगी रेमोकॉन वाइप्स। तो भारत अब खुद को कम क्षमता के परमाणु हमलों को लेकर तैयारी कर रहा है और यहाँ इन हमलों से आम नागरिकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बचाने के लिए DRDO ने कहीं ना कहीं जो वाइप्स का निर्माण किया है। तो वैज्ञानिकों ने रेमोकॉन वाइप्स बनाई है जो रेडियोएक्टिव तत्वों से प्राथमिक तौर पर राहत देगी। इस वाइप्स यानी त्वचा साफ करने का विशेष कपड़ा होता है का जो प्रयोग है फ्रंट लाइन वर्कर यानी सैन्य कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और एटॉमिक प्लांट पर कार्य करने वाले कर्मचारी के साथ आम नागरिकों भी कर सकते हैं। तो अब ये रेमोकॉन वाइप्स क्या होता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से शरीर से एक तरह से रेडियो एक्टिव तत्वों को पहुंचने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये वाइप्स त्वचा को नमीयुक्त बनाती है और इसमें ऐसा फार्मूला होता है जिससे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व समाप्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इसके फायदे क्या है, तो शरीर से रेडियो एक्टिव तत्वों को हटाकर सुरक्षित होगा जीवन। तो कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में प्रयुक्त कई दवाओं में रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। अगर ये मरीज या स्वास्थ्य कर्मी के शरीर पर गिर जाए तो बहुत खतरनाक साबित होते हैं। और ऐसे में रेमोकॉन वाइप्स से मरीज या स्वास्थ्य कर्मी रेडियो एक्टिव तत्वों को हटाकर अपना जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। सिर्फ मरीज ही नहीं, जब भी कोई दुश्मन कम क्षमता का परमाणु हमला करेगा तो सेना भी खुद को इन वाइप्स से बचा सकती है। साथ ही परमाणु संयंत्र और विभिन्न लैब में भी रेडियो एक्टिव तत्वों को लेकर प्रयोग होते रहते हैं। ऐसे में वहां कार्यरत लोगों को भी यह वाइप्स सुरक्षा देने का काम करेगी। और वैज्ञानिकों के अनुसार कम क्षमता परमाणु हमले भी काफी खतरनाक होता है और इसमें निकलने रेडियो एक्टिव तत्व के संपर्क में आने से कैंसर व अन्य घातक बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह से इस खबर को हमको देखना है। अब बढ़ते हम आगे, अब हम देखते हैं हमारी अगली खबर यानी GS3 से, मेजर क्रॉप से, इरिगेशन से, फूड सिक्योरिटी से, क्लाइमेट चेंज से। तो चालू फसल वर्ष 2022-23 में 32.8 करोड़ टन खाद्यान्न पैदावार का रखा लक्ष्य। तो देश के बड़े हिस्से में मानसून की अच्छी बारिश नहीं होने के बावजूद चालू फसल वर्ष यानी 22-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 32.8 करोड़ टन निर्धारित किया गया है। देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और कुछ हिस्सों में सूखे जैसे हालात की वजह से ही खरीफ फसलों की बुआई का जो रकबा है वो कट गया है। अब कहीं ना कहीं अभी हम इसको खबर को हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के एंगल से देखने का प्रयास करेंगे। तो रबी सीजन की फसलों में गेहूं, चना, सरसों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है। रबी फसलों की बुआई नवम्बर से जनवरी तक होती है जबकि कटाई अप्रैल और मई के महीने में की जाती है। कृषि मंत्रालय ने राज्यों को उत्पादकता बढ़ाने के उपाय सुझाए। तो अब देखते हैं कि क्या समाधान निकाला गया है। सरकार ने खाद्यान्न पैदावार का लक्ष्य बढ़ाकर निर्धारित किया है जबकि खरीफ फसलों की बुआई में कमी दर्ज की गई है। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की रुपाई का रकबा पिछले खरीफ सीजन के मुकाबले 5.6% घट गया है। इसी सप्ताह रबी तैयारी सम्मेलन में कृषि मंत्रालय राज्यों को उत्पादकता बढ़ाने के उपायों को समझाने की कोशिश करता रहा यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। फसलों की उत्पादकता के लिए फसल विविधीकरण, इंटरक्रॉपिंग, उन्नत प्रजाति के बीजों की आपूर्ति और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में मानसून की कम बारिश हुई है वहां की मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। सरकार की प्राथमिकता फसल विविधीकरण के तहत गेहूं और धान की फसलों की खेती की जगह दलहनी, तिलहनी व निर्यात होने वाली फसलें हैं। खेतों में नमी को कमी से भी गेहूं की फसल प्रभावित हो सकती है। तो इस तरह से इस खबर को देखना है कि क्लाइमेट चेंज के क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं,
किस तरह से सरकार पीडीएस में फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है, किस तरह से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो उत्पादकता है बढ़ाई जा रही है, और किस तरह से सरकार सूखे और बाढ़ से जो फसलें प्रभावित हो रही है उससे निपटने के उपाय सुझा रही है। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। अब देखते हैं हम थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष बदलने पर चर्चा। तो थोक मूल्य सूचकांक यानी होल सेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI की गणना के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2017-18 करने को लेकर अंतर मंत्रालय विचार विमर्श चल रहा है। देश में मूल्य स्थिति को अधिक वास्तविक तस्वीर पेश करने में भी मदद मिलेगी यानी आधार वर्ष बदलने पर, और कहीं ना कहीं थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने और उसमें नई वस्तुओं को जोड़ने का भी सुझाव दिया जाएगा, और कुछ नई वस्तुओं को जोड़ने के साथ कुछ को हटाया भी जाएगा। तो जिससे कहने के हमारे को एक वास्तविक तस्वीर पैदा होगी किसकी, मूल्य की स्थिति की। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। अब देखते हैं हमारी अगली खबर, GST यानी जो ग्रामीण विकास से एम्पावर पैक्स को यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो पैक्स को बहुउद्देशी बनाने के लिए मॉडल बॉयलज तैयार शाह। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र प्राथमिक कृषि ऋण समिति यानी पैक्स को बहुउद्देशी बनाना चाहती है, इसके लिए मॉडल बायलेज तैयार है। और सात सहकारी संस्थाओं की तो वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीज संवर्धन और विपणन के साथ साथ जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की भी योजना चल रही है। पैक्स को गोबर गैस बनाने, बिजली बिल संग्रह, गैस वितरण एजेंसियों और नल से जल आदि सुविधाओं के जरिए बहुउद्देशीय बनाने की योजना है। शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों के दौरान पैक्स की संख्या मौजूदा 65,000 से बढ़ाकर 3,00,000 करना है। ऐसा होने पर देश की हर पंचायत में एक पैक्स हो जाएगी। कहा कि सरकार स्वास्थ्य बीमा, परिवहन और पर्यटन जैसी क्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीकरण की सुविधा के साथ साथ एक नई सहकारी नीति लाने की भी योजना बना रही है। तो अब हम इस खबर को हमारे एग्जाम प्रस्पेक्टिव से देखें कि कहने की पैक्स क्या होती है और किस तरह से ये ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत साधन हो सकती है और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं और किस तरह से इसको सशक्त किया जा सकता है। अब बढ़ते हम आगे, पाकिस्तान में हिंदू मंदिर ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दरवाजे खोले। तो अब हम एग्जाम को मतलब इस खबर को हम एग्जाम प्रस्पेक्टिव से देखेंगे यानी पाकिस्तान में बाढ़ क्यों आ रही है। तो पाकिस्तान का एक बार हम मैप को एनालिसिस करते हैं। ये पाकिस्तान हो गया, कहने का इसकी सीमा किससे लग रही है, तो ईरान से, अफगानिस्तान से और इधर भारत से, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अवस्थित है। इसमें से कौन सी नदियां निकल रही हैं, तो इधर से जो इंडस नदी यानी सिंधु नदी, इसमें कौन सी नदी आकर मिल रही, तो झेलम, जिनाब, रावी, व्यास, सतलज आकर मिल रही है। और इसकी राजधानी कौन सी होगी, इस्लामाबाद हो गई। इधर खैबर दर्रा हो गया जहाँ से कहीं की विदेशी आक्रमणकर्ता एंटर करते थे भारत में। ये काबुल नदी किस में जाकर मिल रही है, इंडस नदी में। किधर से जाकर मिल रही है, तो दाई तरफ से जाकर मिल रही है। इधर लाहौर और पंजाब यानी ये पाकिस्तान वाला पंजाब, ये मुल्तान, ये क्वेटा और ये पेशावर और ये हिंदू कुश पर्वतमाला ऊपर आ गई है नॉर्थन एरिया से। ये भारत की POK मतलब POK पे कहीं ना कहीं जो अभी पाकिस्तान ने कब्जा किए हुए, ये K2 एक काराकोरम रेंज यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं POK में अवस्थित होने की वजह से पाकिस्तान के नियंत्रण में है। ये ग्वादर पोर्ट्स और कहीं ना कहीं यहीं से जो चाइना है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कहीं ना कहीं अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अंजाम दे रहा है ताकि जो मेरीटाइम सिल्क रोड है जो मलक्का स्टेट का एक तरह से विकल्प ढूंढा जा सके। ये बलूचिस्तान का पठार, ये माशकाई रिवर्स, ये हिंगोल नेशनल पार्क, ये किर्तन नेशनल पार्क, ये सिंध और ये हैदराबाद कहीं ना कहीं इंडस के किनारे अवस्थित है। और नीचे अरब सागर आ गया, ये माउथ ऑफ द इंडस। अब हम इसका फिजिकल मैप देखते हैं, तो ये कराची, ये हैदराबाद, ये सिंध वाला हो गया बलूचिस्तान, ये पंजाब और ये नॉर्थन एरियास, ये इस्लामाबाद इसकी राजधानी होगी, ये रावलपिंडी, ये पेशावर, ये खैबर पास और ये फैसलाबाद।
या क्वाटा, और ये इंडस नदी होकर बीचों बीच से निकल रही है, मैदानी वाला क्षेत्र हो गया एक तरह से, और ये कहीं ना कहीं जो काराकोरम रेंज है ये कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया, और इधर हिंदू कुश वाली पर्वतमाला हो गई है, ये गिलगिट वाला क्षेत्र हो गया जो भारत का हिस्सा है। उसके बाद हमने देख लिया कि इसकी किसके देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, और ये पाकिस्तान का ध्वज हो गया है, ये हमारी न्यू दिल्ली राजधानी। तो इस तरह से हमको इसको पाकिस्तान को मैप को देखना है। अब बढ़ते हम आगे। भारत वो खाड़ी सहयोग परिषद ने MOU पर किए हस्ताक्षर, तो ये हमारे कहने की JS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ग्लोबल ग्रुपिंग और कहने के उनमें शामिल भारत को कहने के शामिल और भारत को प्रभावित करने वाले ही। तो एक बार हम MOU यानी समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच हुए समझौते का दस्तावेज यानी समझौता ज्ञापन या MOU कहलाता है। समझौता ज्ञापन में एक साझा कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ साथ काम करने के निश्चय की बात लिखी गई होती है। यह एक विधिक पत्र है। इसका महत्व उस स्थिति में होता है जब कोई पक्ष किए गए वचनों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हो तो दूसरा पक्ष न्यायालय में जा सकता है। भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव के साथ कहने के अहम बैठक में परामर्श के तंत्र पर समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, और जयशंकर ने कहा कि 6 देशों के संगठन GCC के साथ उनकी बैठक महत्वपूर्ण और सकारात्मक रही। तो अब खाड़ी के 6 देशों का संघ है GCC यानी गल्फ ऑफ कोऑपरेशन यानी गल्फ ऑफ कोऑपरेशन कंट्रीज यानी जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से मिलकर बना GCC एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक व आर्थिक संघ है। GCC के साथ भारत के मधुर व व्यापारिक व सहयोगात्मक संबंध रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे GCC के साथ भारत के संबंध, तो GCC देश के साथ तेल और गैस का आयात बढ़ने के साथ व्यापार और निवेश बढ़ा है। इस समय इन देशों में करीब 65 लाख भारतीय कामगार हैं। GCC के साथ भारत के आर्थिक संबंध तेजी से बढ़े हैं और विशेष रूप से तेल का आयात भी बढ़ा है। जयशंकर बोले, भारत और सऊदी का साझा सहयोग, समृद्धि और सुरक्षा का वादा। तो भारत और सऊदी अरब के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का साझा सहयोग विकास, समृद्धि, स्थायित्व और सुरक्षा का वादा करता है। तब हम एग्जाम प्रस्पेक्टिव से जो गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल को देख लेते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद, तो ये संगठन फारस की खाड़ी से घिरे देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। सदस्य देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात हैं, और इसका मुख्यालय सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित है, तथा आधिकारिक भाषा कौन सी, अरबी है। तो ये दिखाया हुआ कि सऊदी अरब, इधर से ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, और ये फारस की खाड़ी हो गई है, और यहाँ से कौन से देश इसमें शामिल नहीं है, तो इधर से ईरान शामिल नहीं है, इराक शामिल नहीं है, इधर से यमन शामिल नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रिया सऊदी अरब में। इसकी आधिकारिक भाषा अरबी। किस प्रकार का गुट है, तो व्यापारिक गुट है। सदस्यता कितनी है, तो 6 देशों की है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में, और इसकी जनसंख्या दिखाई हुई है, इसके GDP में योगदान दिखाया हुआ है, उसकी मुद्रा 6 मुद्रा यानी खालजी करके दिखाया हुआ है, और इसके उद्देश्य की बात करें तो सदस्य देशों में एकता लाने के लिए सभी क्षेत्रों में उनके मध्य समन्वय, समाकलन यानी इंटीग्रेट करना और सहयोग स्थापित करना, सभी क्षेत्रों में सदस्य देशों के नागरिकों के मध्य मौजूद सहयोग को और मजबूत और गहरा बनाना, सभी क्षेत्रों में समान तंत्र विकसित करना, तो ये इसके उद्देश्य हैं। इसके महासचिव दिखाया हुआ है। तो इस खबर को हमें एग्जाम प्रस्पेक्टिव से देखना है। अब बढ़ते हम, तो अब हम गूगल मैप में देख लेते हैं एक बार। तो ये ओमान यानी जिसकी राजधानी मस्कट हो गई, ये UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत, और ये फारस की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ अमान हो गई है, और ये ईरान और ये इराक जो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि
प्रीलिम्स से प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सा देश इसमें से शामिल नहीं है। तो इस तरह से हमको इस खबर को भी देखना है। अब देखते हैं हम अगली खबर। डार्डेनस जल डब्रू मध्य तैरकर पार करने वाले पहली व्यक्ति बने सेन। तो 1966 में आज ही भारतीय तैराक मिहिर सेन डार्डेनस जल डब्रू मध्य को तैरकर पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। तो हम डार्डेनस की स्थिति को देख लेते हैं एक बार। तो ये ब्लैक सी और ये सी ऑफ मार्मामोवाइया और यूरोप हो गया, ये बल्गेरिया और ये टर्की हो गया। तो ये ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मा के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस और ये इस्तांबुल अवस्थित हो गया है। फिर एजियन सी और सी ऑफ मार्मारा के बीच में जो डार्डेनल स्ट्रेट अवस्थित हो गए हैं। और इधर ग्रीस आ गया, इधर टर्की का ही हिस्सा है ये। अब हम इसको गूगल मैप पे भी देखेंगे एक बार। एक बार हम द केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से बेतवा नदी होकर जा रही है मध्य प्रदेश से, और इधर से केन नदी होकर जा रही है, और ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? तो यमुना की सहायक नदियां हैं। बेतवा के पश्चिम में कौन सी नदी जा रही है? तो इधर से पार्वती नदी जा रही है। इधर कहने बेतवा और पार्वती के बीच में झांसी और दतिया अवस्थित हैं। इधर ललितपुर, उधर टिकमगढ़ और इधर दोदाम डैम अवस्थित है। किस पर? कहने की केन नदी पर अवस्थित है। ये छतरपुर, ये महोबा, ये बांडा, ये पन्ना नेशनल पार्क यहीं पर अवस्थित हो गया है। ये सतना और इन दोनों के बीच में ये कहने की केन बेतवा लिंक, जिससे कहने के जो ये क्षेत्र में एक तरह से जो सूखे की समस्या रहती थी उससे कहने की एक तरह से निजात मिल पाएगा। और यहाँ के जो लोगों को, पशुओं को, जीव जंतुओं को पीने योग्य पानी, कृषि के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इससे कहीं ना कहीं जो यूपी और मध्य प्रदेश दोनों को ही फायदा होगा। जो अभी कहीं ना कहीं जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी, जो इसमें कहीं ना कहीं जो ये विवाद था केन बेतवा लिंक के जो पानी को लेकर, उसे एक तरह से सुलझा लिया गया है, जिससे दोनों राज्यों को इससे फायदा मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं, एक बार हम गूगल मैप को देखेंगे। हमारा विश्लेषण तो यही समाप्त होता है। अब हम एक बार गूगल मैप को देख लेते हैं। ये गूगल मैप है। अब हम मध्य प्रदेश में देख रहे थे केन बेतवा लिंक परियोजना को। तो ये दतिया, ये झांसी, और ये केन नदी होकर जा रही है, और ये बेतवा नदी, और दोनों के बीच में केन बेतवा लिंक परियोजना को जोड़ा जा रहा है। ये महोबा, ये छतरपुर, ये पन्ना नेशनल पार्क से अवस्थित हो गया यहीं पर, और ये जीसीसी की बात हमने कर ली है, अरब सागर, ये पाकिस्तान का मैप हमने देख लिया कि इधर की साइड तो पहाड़ी क्षेत्र आ गया एक तरह से, कहने का जो सिंधु का मैदान है वहीं पर कहीं ना एक तरह से खेती योग्य जमीन है, और इधर काराकोरम लद्दाख और चांसकर जो पर्वतमाला है वो अवस्थित हो गई है। और हमने एशिया की बात कर रहे थे हम, तो इधर से रशिया हो गया है, इधर चाइना, इधर से भारत, इधर से पाकिस्तान, इससे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, और सेंट्रल एशिया की कौन सी कंट्री शामिल नहीं है? तो तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है, इधर से मंगोलिया शामिल नहीं है, और इधर से ये क्षेत्र शामिल नहीं है, आसियान के कोई सा भी देश शामिल नहीं है। अभी इसकी जो बैठक हो रही है उज्बेकिस्तान, ये समरकंद में जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है वहां पर कहने की इसकी बैठक हो रही है, और उज्बेकिस्तान की सीमा किन देश से लगती है? तो इधर तुर्कमेनिस्तान से लग रही है। क्या उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? तो बिल्कुल नहीं लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कजाकिस्तान का क्षेत्र आ गया है, और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान आ गया है नीचे, और उज्बेकिस्तान की सीमा इधर कजाकिस्तान से लग रही है, और इधर तजाकिस्तान से, इधर किर्गिस्तान से इसकी सीमा लग रही है, और इधर अफगानिस्तान से भी कहीं ना कहीं इसकी उज्बेकिस्तान की सीमा लग रही है यहाँ पर। ये ऊपर दिखाया हुआ है, ये एक तरह से पूरी ये हिमालय वाला क्षेत्र आ गया है, ये तिब्बत वाला, तिब्बत का पठार आ गया है, ये पामिर नोट है यहाँ पर, कुनलुन शान, इधर तियान शान और इधर हिमालय। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखते रहना चाहिए। तो हमारा विश्लेषण ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।